ले लेना, ले लेना, ले लेना। तुमने ना जाना इंजर है करोना, जिनको हुआ था उनसे पूछो ना, चाहते ना हो तुम खासना, तो ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना। कोरोना की वैक्सीन अब ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना। तुम जो सेफ्टी को लेकर हैरान हो, ये बात कैसे तुमको समझाऊं? तुम जो सेफ्टी को लेकर हैरान हो, ये बात कैसे तुमको समझाऊं? साइंटिस्ट ने बनाया FB कमेंट से ना डरना, सारे डॉक्टर्स ने तो कब का ले लिया, तो ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना। कोरोना की वैक्सीन अब ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना। मैं हूँ 62 का, तुम कितने के हो? कर 60 के तुम हो, मत सोचो, ले लो। मैं हूँ 62 का, तुम कितने के हो? कर 60 के तुम हो, मत सोचो, ले लो। कर साइड इफेक्ट्स में टेम्परेचर यू फील, दिन के दिन क्रोसिन तुम खा लो ना, पर ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना। कोरोना की वैक्सीन अब ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना। We'll be right back.
आए हुए सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं कृष्णा महादुरे भास्कर वागुरे एंटरटेनमेंट में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन। चलिए दोस्तों, हम तो आपके समक्ष में आते ही रहते हैं क्योंकि हमें आपकी याद आती है। क्या आपको हमारी याद नहीं आती? सच में आती तो होगी, लेकिन हम क्या करें, कुछ लॉकडाउन ऐसा लगा, लॉकडाउन 2 हमें यहाँ पर आपके समक्ष लेकर आना पड़ा। लेकिन सबसे पहले हमारी जो ने परंपरा है, उस परंपरा को मैंने यहाँ पर वंदन करता हूँ। और हमारे बीच जो ये पैंडेमिक सिचुएशन जो है, जो कोरोना का काल है, इसमें जो हमारे क्षेत्र के कुछ नामी गिरामी हस्तियाँ हमसे बिछड़ गई, और ऐसे बिछड़ी कि वो शायद हमें कभी मिले ही नहीं, शायद क्या वो कभी हमें मिलेंगे ही नहीं। हमसे वो हताहत हो गए, हमसे वो बिछड़ गए, हमसे वो काफ़ी दूर चले गए। हम सभी यहाँ पर जो आपके समक्ष यहाँ पर कुछ हमारी प्रस्तुतियाँ शुरुआत करने वाले हैं, उसके पहले हम उन्हें हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। हम सभी की ओर से उन्हें बहुत बहुत शत शत नमन। चलिए दोस्तों, मैं इस शुरू से गुनगुनाती हुई शाम का यहाँ पर आगाज करने जा रहा हूँ, और मैं बुलाने जा रहा हूँ पहले गीत के लिए, जो लेकर आएंगे श्रीकांत जी और नूतन जी, फिल्म मेरे हमसफर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, लता जी और मुकेश जी ने इस गाने को निभाया था। यहाँ पर अपने ही अंदाज में लेकर आएंगे श्रीकांत जी और नूतन जी। मेरे
श्रीकांत जी, दूतन जी, आपने इस गाने को बखूबी यहाँ पर निभाया। और जो हम यहाँ पर इस गाने से हमने जो मैसेज दिया है कि तू छोड़ के ना जा मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना काल, इसने हमसे काफ़ी लोग जो हमारे हम सफ़र भी थे, हमारे साथ चलते थे, उन्हें हमने खोया है। और मैंने पहले ही उन्हें श्रद्धांजलि पर दो मैंने मेरे शब्दों की सुमन उनके लिए अर्पण किए हैं, तो हम चाहेंगे कि फिर एक बार उन्हें हम शब्द सुमनों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करें। तो चलिए दोस्तों, इस गुनगुनाती हुई शाम का फिर एक दूसरा एक गाना लेकर आ रहे हैं राजेश झाड़े जी, फिल्म खामोशी, हेमंत कुमार जी का संगीत, किशोर कुमार जी ने इस गाने को गाया हुआ था। यहाँ निभाएंगे अपने ही अंदाज में श्री राजेश झाड़े जी। हेलो, ओ शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। Thank you.
झुकी निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे के मुस्कुरा कुछ अजीब थी। सचमुच दोस्तों वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम कुछ अजीब है। जब कोई महबूबा महबूब से मिलने आती है तो वो शाम सचमुच अजीब ही रहती है। और राजेश जी ने इस गाने को बड़ी गप बखूफी यहाँ पर निभाया और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो पहली बार भास्कर बागुलू एंटरटेनमेंट में आए हुए हैं। मैं उन्हें फिर से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा नेक्स्ट गाने के साथ, उनकी थोड़ा मैं उससे गुफ्तगू करना चाहूँगा, लेकिन मैं इस गाने के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अगला गाना दिनेश जी बावनकर। आइए दिनेश जी, जिस देश में गंगा बहती है, शंकर जयकिशन जी का संगीत, मुकेश जी ने इस गीत को गाया हुआ था, आएंगे उनके ही अंदाज में, बड़ा प्यारा अंदाज है इनका, श्री दिनेश बावनकर जी। मेरा नाम राजू घराना नाम, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू, मेरा
मेरा नाम राजू। काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना। कविराज कहे नए ताज रहे, नए राज रहे, नए राज घराना। प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका न कोई एक खजाना। मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। धूल का एक बादल अलबेला, निकला हूँ अपने सफर में अकेला। चुप चुप देखूँ मैं दुनिया का मेला, चुप चुप देखूँ मैं दुनिया का मेला। काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे, एक दिन तो है जाना। धपली उठा आवाज मिला, गा मिली के मेरे संग प्रेम तराना। मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। ये तो थे दिनेश जी, इन्होंने अपना नाम यहाँ पर राजू रख लिया, और ये जो गाना जो इन्होंने निभाया जैसे ये राजू के ही बोल यहाँ पर गा रहे थे। चलिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इस गीत को इन्होंने यहाँ पर निभाया, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स बने हुए हैं, मैं उनका तो वेलकम करना ही भूल गया था, लेकिन क्यों ना उनका नाम यहाँ पर लिया जाए। जो भी यहाँ पर व्यूवर्स बने हुए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका भी वंदन और अभिनंदन करता हूँ। श्री राजेंद्र चोपड़े जी जो यहाँ पर बने हुए हैं, उनका मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। लीना बावनकर जी, हमारे दिनेश साहब की मिसेस जो यहाँ पर बनी हुई है, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। प्रतिभा कड़ू जी, माधुरी पाखमोड़े जी, अनिल बोबड़े जी, ईशांत पोतवार जी, योगेश परांजपे जी, अश्विन भोकरे जी, सतीश बल्लाल जी, संध्या इंगे जी, नमिता कांबे जी, प्रभा कृष्णन जी, वीरेंद्र उन्नरकर जी, आशुतोष सहांदे जी, ज्योति रक्षक जी, एडवोकेट एल एन बोदड़े जी, मिलिंद तंगड़ परिवार जी, रूपाली रॉय जी, अचल वालदे जी, श्रुति सपरे जी, नरेंद्र इंगड़े जी, आनंद मोहने जी, मंगला धनवलकर जी, अनुराग गोरे जी, बाबूभाई पटेल जी, प्रमोद उपासे जी। नाम तो बहुत है, क्योंकि इन्हें मुझे दिख रहा है यहाँ पर इन्हें कम से कम 96 का मुझे यहाँ पर स्कोर दिख रहा है। जो व्यूवर्स यहाँ पर बने हुए हैं, मैं सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ, और अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच से एक और नगीना श्रीकांत सपरे। चलिए, ये आएंगे और यहाँ पर निभाएंगे फिल्म सफ़र का वो एक गीत जो कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया हुआ है, किशोर जी का एक अंदाज लेकर आएंगे श्रीकांत जी अपने ही एक अलग ढंग से।
दूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तो दिल के लिए, एक जान है तो जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों सी है तुझ में चंचलता चलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चार जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें, मजबूर करे जीने के लिए सागर रसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सच में श्रीकांत जी ने ये गीत को ऐसे प्रस्तुति दी कि सभी लोग मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो व्यूअर्स यहां पर बने हुए हैं कृपया हम आपसे 5 मिनट का समय मांगते हैं, थोड़ा आपसे विदा लेते हैं और फिर आपको मैं कुछ बताने के लिए यहां पर इनवाइट करने जा रहा हूं भास्कर वागुले जी को, जो यहां पर कुछ बोलना चाहते हैं 2 मिनट का मैं उनके लिए एक अजी भास्कर भाई 2 मिनट के लिए। भास्कर भाई की एक रिक्वेस्ट आई थी माइकल लाइट्स की ओर से, जो भास्कर भाई के बहुत ही उम्दा दोस्त है, उन्होंने लाइटिंग व्यवस्था इस कोरोना काल में थोड़ी देर के लिए उन्हें तकलीफ हुई और उन्होंने उस सर्विसेज को थोड़ी देर के लिए ऑफ किया हुआ है, लेकिन उन्होंने जो स्क्रीन पर दिख रही है वो सर्विसेज मीन्स यानी किचन सर्विसेज, जो आपको अलग अलग प्रकार के व्यंजन आपके यहाँ पर देंगे, ऐसी उन्होंने व्यवस्था की है। हम भास्कर वागुरु एंटरटेनमेंट की ओर से सारी टीम हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए हुए हैं इन पर आप कॉल करके उन्हें टिफिन और अलग अलग प्रकार की जो व्यंजने हैं जो स्क्रीन पर दिख रही है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो प्लीज़ इन्हें आप हेल्प कीजिएगा ताकि यानी भास्कर वागुले जो
एंटरटेनमेंट जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर इन्हें इवेंट्स भी अरेंज करता है और इस प्रकार के इन्हें आपको इन्हें अपील भी करता है, इस अपील को आप प्लीज़ पॉजिटिव लेके इन्हें आप कुछ ना कुछ ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा। और इन्होंने हमें इस ऑर्डर के तहत हमने कभी इन्हें इसको ने आज़माया भी है, हमने इसकी टेस्ट भी ली हुई है, बहुत ही उम्दा टेस्ट है और ये काफ़ी अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। होम डिलीवरी भी इनकी अवेलेबल है, जो स्क्रीन पर नंबर्स दिख रहे हैं उसके लिए आपको ये स्क्रीन अवेलेबल है, तो प्लीज़ ये नंबर नोट कर लीजिएगा। चलिए साहब, मैं यहाँ पर फिर एक बार कुछ दर्शक बने हुए हैं, इन दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। नाना पोसगे जी जो भास्कर बागुले साहब के ईवाई जी है और होने वाले ही भाई, वैसे ही सुहास सहारे, डॉक्टर आनंदराव बागुले जो इनके बड़े भाई साहब हैं वो भी अमरावती से हमें यहाँ पर जुड़े हुए हैं वीवर्स बन के, राजेश इटनकर जी, किशोर पंडित जी, श्रीराम रक्षक जी, प्राजक्ता सपरे जी, संगीता हेलोडे जी, लिपिका घोष जी, सदानंद आठवले जी, आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके लाइक्स और कमेंट्स ऐसे ही बने रहे तो हमें यहाँ पर अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पर मजबूर कर देंगे। मैं बुलाने जा रहा हूँ अगले गीत के लिए राजेश जी और अंशु जी को, जो लेकर आएंगे एक ड्यूएट गाना फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, खय्याम जी का संगीत, लता जी और किशोर जी ने इस गीत को गाया था, यहाँ निभाएंगे राजेश जी और अंशु जी। हेलो,
नजरें उठाई आपने तो वक्त रुक गया। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस आप दोनों ने दिया, अंशु जी, राजेश जी, आप दोनों ने यहाँ पर एक ऐसा एक माहौल खड़ा कर दिया है कि आगे वाले आने वाले सभी कलाकारों को ऐसे ही उम्दे से उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पर दे के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर रहने जब भी इस प्रकार का प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी कलाकार आए वो एक अच्छे से अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करके जाए, ताकि आने वाला जो कलाकार है वो आपके सामने उसी के कंपटीशन में एक अच्छी कंपटीशन दे और अच्छा यहाँ पर इन्हें गाना सादर करे। चलिए साहब, मैं इसके बाद चाहूँगा कि दिनेश पावनकर जी एक बार यहाँ पर फिर आए फिल्म रेशमी रुमाल, बाबुल जी का संगीत और मुकेश जी की आवाज़ थी, निभाएंगे यहाँ पर दिनेश जी एक अलग अंदाज में, अपने ही अंदाज में। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा। आएंगी बहारे चली जाएगी खिजा, ओ आसमां ये नीला नीला करे है इशारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, दुनिया है सराए रहने को हम आए, दुनिया है सराए रहने को हम आए। आया है तो हंसी खुशी रह ले तू यहाँ, हो सूरमा है जिंदगी जो कांटों में गुजारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है। बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है। आहनी इरादे हैं उमंगे हैं जवां, ओ मुश्किलें कहाँ है उन्हें मेरा दिल पुकारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे।
दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। बहुत खूब दिनेश जी, आपने इन्हें गर्दिश में तो तारे लगा ही दिए और ये तारे हमको सब लोगों को नज़र आ रहे हैं कि आपने इस गाने को ने जो मुकेश जी का अंदाज़ यहाँ पर निभाया, सचमुच मुझे लगा कि मुकेश जी यहाँ पर इन्हें गा रहे हैं। उनका अंदाज़ आपने यहाँ पर जो अंदाज़ मुकेश रखा है वो बहुत बहुत उम्दा था और सभी लोगों को पसंद आया और उन्होंने जो इन्हें लाइक्स और कमेंट किए हैं उसके लिए तो इन्हें बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं इन लाइक्स और कमेंट के लिए तो कहने वाला था कि आज की शाम में कुछ शोर हो, आप सभी की कमेंट्स और लाइक्स का ही जोर हो और सचमुच आप सभी लोगों की लाइक्स और कमेंट का जोर है बॉस, क्योंकि हम 100 का आंकड़ा यहां पर पार कर चुके हैं और सभी लोगों को ये उत्साह देता है, क्योंकि जो लाइव में जो व्यूवर्स होते हैं वो सचमुच हमारा उत्साह दुगना कर देते हैं। बहुत बहुत आपका मैं शत शत नमन करता हूं कि आपने इस व्यूवर्स का शतक यहां पर लगाया है। चलिए मैं यहां पर आगे के गीत के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे भास्कर वागुले एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर श्री भास्कर वागुले जी को। आएंगे वे और निभाएंगे यहां पर एक गीत आकाशदीप फिल्म का, चित्रगुप्त जी का संगीत, गाया था रफ़ी साहब ने, और आएंगे अपने ही अंदाज में श्री भास्कर वागुले जी। वेलकम व्यूअर्स, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप इसलिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मरे मिटा, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता था, मुझे आप किस लिए मिल गए।
चिराग हूँ किसी बार का। ना मैं चांद हूँ किसी शाम का, ना चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले हूँ नदे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता था, मुझे आप किस लिए मिल गए। थैंक यू। बहुत खूब बहुत खूब भास्कर बाबू, आपने यहाँ पर मोहब्बत का माहौल यहाँ खड़ा कर दिया कि आप किस लिए मिल गए। मैं भी सोचता हूँ कि आप किस लिए मिल गए, ताकि ये गुनगुनाती हुई शाम, गीतों भरी शाम आपके सामने प्रस्तुत हो सके, इसलिए हमें भास्कर वो मिल गए। कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, क्या मज़ा आए फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, क्या मज़ा आए फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। सचमुच एक लक्ष्य को अगर हमें पाना है, अब हम ठान चुके हैं दिल में कि ये लक्ष्य हमें हासिल करना है, तो ये तूफान ये मंजर आपको कुछ भी रास्ता रोक नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, मैं इस माहौल को बरकरार रखते हुए अगले गीत के लिए श्रीकांत जी और फिर एक बार अंशु ताई जी यहाँ पर आएंगे फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का एक गीत लेकर। संगीत था आर डी बर्मन जी का, लता जी और किशोर जी ने इस गीत को गाया हुआ था, और यहाँ पर अपना ही अंदाज बयां करेंगे अंशु जी और श्रीकांत जी।
गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के ए ए कम। क्या बात है, सचमुच जब मैंने यहाँ पर अंशुताई ने एंट्री की तो मुझे लगा कि मुमताज़ जी वहाँ से आके कुछ ने गाना चाहती है, और उन्होंने इस गाने को ऐसे ढंग से निभाया कि इन्हें लगा कि यह गाना सचमुच पिक्चराइजेशन हो रहा है, और हमें उस गाने की वहाँ से याद दिला दी। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म भी हमारे सामने तैरती हुई नज़र आई, बहुत बहुत बढ़िया। आज का अगर इन्हें मैन ऑफ द मैच जाएगा तो शायद इन्हें अंशुताई को ही देना पड़ेगा। बहुत 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 बढ़िया परफॉर्मेंस श्रीकांत जी, आपने भी बहुत खूबी से इस गीत को निभाया यहाँ पर, बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मैं इस सिलसिले को आगे जारी रखते हुए बुलाना चाहूँगा यहाँ पर फिर एक डुएट के लिए राजेश जी और नूतन जी को। फिल्म पुलिस पब्लिक, राम लक्ष्मण जी का संगीत, अमित कुमार और लता जी के बोल यहाँ पर निभाएंगे अपने ही अंदाज में राजेश जी नूतन जी। मैं जिस दिन
हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बहुत खूब राजेश जी, एक दो मिनट के लिए आप यहाँ पर रहिएगा। हमारी जो परंपरा है भास्कर बागुला एंटरटेनमेंट में, जो भी हमारे यहाँ पर इन्हें पहली बार यहाँ पर स्टेज पर आते हैं, गाते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं, और आप इन्हें बड़े उम्दा परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पर इन्हें तीसरा गाना भी आपका इन्हें प्रस्तुत हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द यहाँ पर इस हमारे माहौल के बारे में, यहाँ पर प्रैक्टिसेस के बारे में, और जो यहाँ पर इन्हें अनुभव आप पर हुआ है उसके बारे में, और मैं स्पेशली यहाँ पर इन्हें बताना चाहूँगा कि इन्हें यहाँ पर इन्हें जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इनके सुपुत्र श्री रुचिर झाड़े जी, मैं उन्हें भी यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इन्हें पापा बेटे को इन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटे ने पापा को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। लास्ट टाइम होली के वक्त जो इन्हें हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें रुचिर ने यहाँ पर कुछ गाने का परफॉर्मेंस दिया था, उनकी भी आवाज़ बहुत खूब है, और उनके पापा यहाँ पर जो गा रहे हैं, इनकी भी आवाज़ में काफ़ी सुर और ताल और बहुत बहुत एक लचक है जो हमें यहाँ पर सुनाई दी। आपको कैसे लगा यहाँ पर आके, और यानी आप यहाँ पर इंस्पायर हुए, आपके बेटे से इंस्पायर हुए या आपसे आपका बेटा इंस्पायर हुआ? दोनों साथ में हम इंस्पायर हुए हैं। अभी वैसे तो मैं प्रैक्टिस पहले से ही करता था, लेकिन चांस कभी नहीं मिला। अभी ये मेरा ख्वाब ही है जो पूरा हो गया आज। ये ख्वाब आपके बेटे ने आपके लिए ने पूरा किया, और लास्ट टाइम वो अकेले यहाँ पर इन्हें गाकर गए, और उनका भी इन्हें काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पर देखे गए। किशोरदार की उन्होंने आवाज़ बड़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर निभाई थी, और आपने भी यहाँ पर इन्हें हर टाइप के यहाँ पर गाने गाए हैं, और ड्यूट भी आपने इन्हें बड़ी बखूबी यहाँ पर निभाया। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस टीम के साथ एक हिस्सा बनकर हमारे साथ खड़े रहे। मैं आपको
कुछ कहना हो तो बिल्कुल आप इन्हें कह सकते हैं, भास्कर भाऊ के बारे में, यहाँ पर स्टूडियो के बारे में, क्योंकि ये स्टूडियो का माहौल जो है नागपुर में कहीं और मिलता ही नहीं है। सभी लोग कहते हैं, मैं ही नहीं बाकी लोग भी कहते हैं, तो आप भी कुछ इन्हें कहिएगा। मैं भास्कर भाऊ का और सुन के सभी टीम का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक ये जो आज चांस मिला है ये मेरे नसीब में था या नहीं ये बता नहीं सकता मैं, लेकिन भास्कर भाऊ की वजह से मुझे ये ख्वाब मेरा पूरा हो गया। चलिए साहब, नसीब की बात की आपने, और अने किसका नसीब अने कितना है ये तो कोरोना काल ने हमको सबको बता दिया है। आइए साहब, मैं अगले प्रस्तुति की ओर अने बढ़ता हूँ। चलिए साहब, हमारे बीच कुछ दर्शक भी बने हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके नाम यहाँ पर इन्हें पढूं, ताकि मैं अगले जो हमारे कलाकार हैं यहाँ पर बुलाने से पहले, मैं उनकी हौसला अफजाई करने के पहले आपसे मैंने गुजारिश करूँगा कि आपके लाइक्स और कमेंट्स ऐसे ही बनाए रखिए। मैं आपका नाम लेने जा रहा हूँ, उन सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। विशाखा वंजारी जी, शिव कुमार भूतड़ा जी, शैलेश मार्कंडेवार जी, सुदेश विश्वनाथन जी, सुलभा केदार जी, प्रेरणा सप्रे जी, मिलिंद दीक्षित जी, अभिजीत पुफड़े जी, मोहम्मद आज़ाद जी, गोखरे जी, किरण सुरकर जी, संध्या टिस्कुले जी, अजय बिजलवार जी, विजय श्री बाबुदे जी, आशीष झिल्पे जी, नरेंद्र ठाकरे जी, स्वप्निल मालेवार जी, आप सभी लोग अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपके लिए अगली प्रस्तुति मैं बुलाना चाहूँगा दिनेश बावनकर जी को, जो लेकर आएंगे शबनम फिल्म का उषा खन्ना द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ, मुकेश जी ने गाया हुआ एक गीत, आएंगे अपने ही अंदाज में दिनेश जी। तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम, क्या करे क्या करे क्या करे। तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले, जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। बेवफा एक निगाह देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। साथी की जिस पे नजर ना हुई, ऐसा ही प्यासा एक जाम हूँ मैं। बेवफा